हाय गाइस, दिस इज अनस हियर। सो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, कल हम लोग ने स्टोरी डाले थे हम लोग के अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट पे क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो उसके आज हम लोग आंसर्स देने वाले हैं। सो ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी से हम लोग यूट्यूब पे रेगुलर होने वाले हैं। रेगुलर मीन्स स्टार्ट में हम लोग एवरी वीक लाइक 2-3 ब्लॉग्स तो अपलोड करेंगे ही करेंगे, अगर हो सके तो उससे ज़्यादा भी करेंगे। और अगर अच्छे व्यूज़ आए तो स्टार्ट में तो इतने व्यूज नहीं आते, 100,000, 500, 2,000 जो भी आएगा वो चलेगा, हम लोग रुकेंगे नहीं। और जैसे कि मैं बोल रहा था, ये बार तो गाइस बहुत क्वेश्चन थे हम लोग को, जैसे कि मैंने भी स्टोरी डाला था, आलिया ने भी स्टोरी डाली थी, तो दोनों को हम लोग को मिला के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो सेम हैं, सो हम लोग आज के व्लॉग में सिर्फ वही क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर व्लॉग स्टार्ट करेंगे, सो अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों की शादी कैसे हुई, मींस मतलब फैमिली कैसे राजी हुई मानी, वैसा तो बताओ अनस, कैसे मनाया था अपने फैमिली का? हमारी शादी ऐसी हुई कि कौन सा दिन था वो, 25th December, शादी का दिन नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। तो काय का दिन पूछ रहे? So, मेरी पैदाइश का दिन, ओ मन जो भी दिन था, हमारी शादी ऐसे हुई कि मैं गलती से प्यार में पड़ गया था, समझ रहे हो? सो घर पे बताना पड़ा, इसने भी बताया, हम लोगों ने भी बताया। सो बेसिकली यही बोलूंगा कि लव मैरिज गलती से प्यार में नहीं पड़े थे, मेरे बहुत साल हो रही, बहुत टाइम से पीछे। तेरा क्या बोला तूने? चलो चलो, पीछे पड़ूंगा, शक्ल ना सूरत पीछे पड़ूंगा मैं, मैं एक चीज बोलती हूँ, उस टाइम पर उसकी बॉडी अभी भी है, थोड़ी उतर रही है, वापस से बन जाएंगी 3-4 महीने में, प्रोसेस चालू है। तो ऐसे हुए हम लोग की शादी। गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लव स्टोरी, जो शादी का जो सीन है, जो हो गई गलती मुझसे, वो सब हम लोग अलग अलग एक पार्ट में बनाएंगे। गलती अलग, ये गलती जो है ना, ब्लॉग बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन था, इतनी नसीब वाले है कि मैं मिली, देख रहे, समझ सकते हो आप लोग, समझ रहे हो? सेकंड क्वेश्चन है, अजलान का डायपर कभी अनस भाई ने चेंज किए? बिल्कुल नहीं, नहीं भाई नहीं, हम ये सब चीज सोच है, हम ये सब मुंह माया से। और इतना मैं मतलब मैं अभी सिखाऊंगी अनस, होगा कभी ऐसा होगा कि मैं कभी बाहर गई शूट्स वगैरह के लिए, अजलान को लेके जाना, मैं तुम्हारी माँ के पास छोड़ देना। हर टाइम मेरी मम्मी ने संभाले के, समझे ना, पैदा क्यों? अरे तो मम्मी के लिए किया, जबरदस्ती है यार, जबरदस्ती। बोले मैं तो बोला था भाई 4-5 साल बाद, 3-4 साल बाद प्लान कर रहे। सो मतलब समझ रहे हो, ऐसा लोग ने बोले कि नहीं करना चाहिए, पहले बोला को मना नहीं, ऐसा सब बोल रहे थे, तो फिर हम लोगों ने प्लान किए, और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्चा हो गया हम लोग का, जो भी घुंडा बन चुका है। घुंडा तो नहीं बना, माशाल्लाह बहुत ज्यादा। आप थर्ड क्वेश्चन बताओ, आप लोग कहाँ रहते हो? भाई हम लोग घर में रहते हैं, जो कि है मुंबई में, जो कि है इंडिया में, we are proud Indians, bro. ये तो थर्ड क्वेश्चन था कि हम लोग मुंबई में रहते हैं। ये मैंने ये बहुत बार ये क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ, मतलब जब भी मैं क्यों है जाता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं, नहीं मैं बताती हूँ, ज्यादातर लोगों को ना कंफ्यूज है कि हम लोग मतलब मुंबई में रहते हैं या कहीं आउट ऑफ रहते हैं। तेरा क्या बोला तूने? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारी शक्ल है क्या हमारी, अरे आउट ऑफ मतलब इंडिया में ही कहीं बाहर दूसरे जगह रहते हैं। मुंबई बेस्ट है भाई। और एक जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि हम लोग भी रेगुलर यूट्यूब ब्लॉग्स चालू कर दिए है, मतलब 2-3 दिन में, 2-3 दिन के गैप में हमारा ब्लॉग्स, 3 दिन के अंदर तो मैक्सिमम आ ही जाएगा। और अगर व्यूज प्यार आप लोगों का बढ़ता है तो 3 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 1 दिन, 1 दिन से डेली हो जाएगा। बट अभी हम लोग का चैनल ऑलरेडी डेड हो चुका है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 6-8 महीने से कुछ अपलोड नहीं कर रहे थे, तो हम लोग जो भी अभी ब्लॉग्स बना रहे हैं व्यूज के लिए नहीं, सिर्फ चैनल उठा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा हम लोग मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं यार यूट्यूब पे अभी करना ही है आगे, तो मुझे पता है मेरी बुराई करोगे, इसलिए मैं बार बार पीछे देख रही हूँ, अभी इंशाल्लाह। आपका बेबी कितने मंथ्स का हो गया है? हाँ, हमारा बेबी हो गया है 1.5 साल का, हो गया ना ऑलमोस्ट, नहीं 15 मंथ्स, 15 मंथ्स कितना हो, 1.5 साल ही हुआ ना, 1.5। कैसा लगा मेरा मजाक?
नहीं एक ऑलमोस्ट एक महीने क्या 18 महीना 1.5 साल होता है ना, 3 महीना कम है, 2 भी तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो गया यार। सो आप लोगों से ना एक चीज बोलना था मुझे, बाद में बात करते हैं बैठे। सामने नहीं बोल सकते, कुछ बातें प्राइवेट होती है, प्राइवेसी में रखना पड़ती है, हर चीज शेयर नहीं किया जाता है। अभी 5th question है कि आलिया दी कभी आपके एनएस भाई से लफड़ा हुआ है? अरे भाई देख लफड़ा है ना हुआ है। भाई नहीं बहन है सॉरी। सो जो भी लफड़ा है ना हर किसी का होता है, शाहरुख खान का भी होता है। तुमने देखेगा हर किसी का लफड़ा होता है, तुम्हारे बाप का नहीं होता है? नहीं मेरे मम्मी डैडी का नहीं होता। होता होगा ना कभी तो, पहले हुआ होगा वो मुझे नहीं पता ना, तो होता भी है ना। सो समझ रहे हो समझ रहा मैं बता दूं मैं बता रहा हूं कि बहुत पकाओ आदमी में होता होगा, क्या होता होगा, हमारा भी लफड़ा होता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अनस मुझे कभी नहीं मनाते। ओह माय गॉड भाई बहुत झूठ बोल दिए ये, बहुत झूठ समझा। मतलब है ना लफड़ा तो होता ही रहता है और लफड़ा होना भी चाहिए, लफड़ा नहीं होगा तो फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी। मतलब वही एक शक्ल देखो घर में आते ही, बैठे रहो हंसो सो जाओ। तो लफड़ा थोड़ा होना चाहिए, इससे थोड़ा टेंशन स्ट्रेस सब कुछ बढ़ता है। लेकिन अभी फिलहाल लफड़ा होना चाहिए इसके लिए के बीवी का जल्लाद वाला रूप भी दिखे क्या है ये सब है ना, सिर्फ एक वो है मैं तेरे के लिए, जहाँ प्यार नहीं हुआ गुस्सा ऐसा कुछ बोलते ना, ऐसा नहीं होता है। वो ये होता है कि जहाँ लफड़ा नहीं हुआ प्यार नहीं होता, अगर जहाँ लड़ाई नहीं होती ना वो रिश्ता ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। क्यों क्या हो गया यार, तुम्हें धक्का काम दो क्या, धक्का थोड़ी दिया हमने, खड्डा दिए मुझे टच किया यार, मैं बहुत बुरे हो तुम। सो हाँ सो कंटिन्यू करते हैं, देखो लफड़ा झगड़ा हर रिलेशनशिप में होता है, हमारे तो बहुत होते थे एक टाइम तो बहुत ज्यादा होते थे, ऐसा लगता था कि इसको हटा दूं, लेकिन फिर धीरे 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 करके मैंने एडजस्ट करना, हटा दूं वो हाल लफड़े में होता था लेकिन कभी छोड़ते नहीं थे। वही तो प्यार है ना बेटा। सो प्यार ओ माय गॉड सही में नहीं होता तो बाजू में थोड़ी होती तो कहां होती, मुझे ना मालूम कहीं पर भी होती बाजू में तो नहीं होती ना। लेकिन सो चलो अभी जैसा बोले थे इसलिए आज मैं बना रहा हूँ। और दूसरी बात अभी 4 महीने ना सिर्फ यूट्यूब पर जिम पे फोकस करना है, तो 4 महीने बाद बॉडी भी अलग लेवल पे एकदम मचा देने का, एकदम अलग लेवल पे होगी और व्लॉग्स इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे व्यूज आने लगेंगे 4 महीने में। सो अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम है, जहाँ मतलब को पैसा कमाना है, फेम कमाना है और दूसरी बात पब्लिक को एंटरटेन करना है। देखो मैं एकदम फैक्ट बोलता हूँ, जो पब्लिक बोलती ना कि हम आपके लिए करते हैं, हम आपके लिए नहीं करते, सब अपने लिए ही करते हैं लेकिन दूसरों को एंटरटेन भी करते हैं। बस वैसा ही हमारा भी मोटिवेशन है, आप लोगों को एंटरटेन करना है और आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों को आगे बढ़ना है। थैंक यू। 6th question समझ रहे हो, ये है क्वेश्चन कि आलिया दी आप मेकअप व्लॉग बताओ मतलब बनाओ, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेकअप व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। देखो मैं आप लोगों को बता दूं मुझे ज्यादा मेकअप करने आता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, नॉर्मल मैं बेसिक चीजें लगा लेती हूँ बस और कुछ भी नहीं। मैं आई मेकअप तो मुझे बहुत कम ही आता है, इसके लिए मैं नॉर्मल अपना बेस मेकअप करती हूँ। आई मेकअप आप लोगों ने देखे होगा कि मैं नहीं करती हूँ, जब कभी कहीं मैं शादी वगैरह में गई तो मैं कर लेती हूँ। देखो फिर एक क्वेश्चन है, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो या सिंगल रहते हो? हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग और फैमिली में हमारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग को वीडियोस व्लॉग बनाने से कोई रोक टोक नहीं है घर में। और लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम है, वो फैमिली वाले नहीं आते हैं, बट इंशाल्लाह धीरे धीरे वो आ जाएंगे भाई। सिंपल है, जब व्यूज बढ़ेगा जब व्यूज आने लगेंगे यूट्यूब पे हम लोग ज्यादा छाने लगेंगे तो सब आएंगे, फैमिली वाले फ्रेंड्स दोस्त सर्कल यार गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब किसकी गर्लफ्रेंड मतलब फ्रेंड्स ऐसा सब आएंगे ऐसा। गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं हो कि गर्लफ्रेंड का भी खून कर दूं और तुम्हारा भी खून कर दूं। हाँ
आप अनस भाई से पूछो कि उनको आपकी एनिवर्सरी याद है। ये भाई ये पहले ये वही वही बंदा है बंदी की उसने पूछी है, सेम बंदी की नहीं डिफरेंट है। भाई ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो तुम लोग, मेरे को याद है 25 जनवरी हमारी शादी हुई थी, दिसंबर जनवरी शादी ना 25 दिसंबर शादी हुई थी, 27 दिसंबर बर्बादी हुई थी, तो वलीमा हुआ था। अच्छा बताओ हमारी एंगेजमेंट कब हुई थी? बीस में ही शादी हुई थी। देखो हमारी और दिसंबर में अजलान का हुआ, मसलन जब उसको मनाता तब हो गया, मतलब ये बोलो यार क्या 1999 नहीं होता, सॉरी अजलान हुआ 2024 तो भी चल रहे 22 में हुआ, 2022 2022 में हुआ ना, 21 में हुआ, सॉरी 2021 10th August मेरा बर्थडे वाओ, मतलब 10th August को अजलान हुआ, अजलान भी 9th August को ही होने वाला था, लेकिन फिर डॉक्टर ने एक दिन डिले कर दिया, तो वो 10th August को हो गया। नींद आ रही है, मैं कल से सही से सोया नहीं, अभी भी मुझे एडिटिंग करना है, फिर प्रमोशन की वीडियो अपलोड करना है कल, फिर सब करना रहता है, एडिटिंग तो सिर्फ मैं ही करता हूँ, ये खाली बना के शक्ल सूरत दिखा के हट जाती है, बाकी पूरा काम मैं नहीं करती क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। तुम्हारे को मालूम होना चाहिए कि असलान कितना परेशान करता है, और रात में भी ना वो बहुत ज्यादा लेट सोने लगा है अभी तो, अभी कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब थी ना। ए चुप बैठो बदतमीज, हाँ बोले जा रहे तो समझ ही दिया। असलान की भी 2-3 दिन पहले ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब सर्दी खांसी उसको इतना कफ हो गया था यार, इसलिए ना वो लेट सो रहा, मैं भी यार ऐसी हो रही हूँ इसलिए वो चलो क्वेश्चन अब तुम तो मैं तो कब से बोल ही रहा हूँ, कितना झूठे इंसान है यार, छी लड़के होते ही ऐसे हैं, ये क्या होता है मुंह से बोलो ना। मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोग सोच रहे होगा अनस मैंने एयरपोर्ट्स लगा रखे, पर कुछ भी नहीं चालू है, मैं एयरपोर्ट्स कान में लगी रहता है, इवन सोते टाइम भी लगी रहता है, कभी कभार तो ये नींद में निकालती है, ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 22 घंटे तो एयरपोर्ट्स लगा रहता है मेरे कान में। अब मुझे थोड़ी मार यार, हेलो हेलो यार, कभी लड़कों से मत भिड़ना प्लीज, अरे आंसर दो। सजेशन है ये है, ओहो Oh my God. पढ़ो। आप लोगों का नेक्स्ट ट्रेवल प्लान कहाँ का है? नेक्स्ट हम लोग पहले कहाँ गए थे भाई? गए थे ना यार। हाँ नहीं गए थे, सॉरी। अभी हम लोग इंशाल्लाह अजमेर जाने का प्लान कर रहे हैं। ट्रेवल वो करते हैं, इसके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है फिलहाल, ऐसा नहीं है बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि हम लोग को भी सिर्फ हम लोग आउट ऑफ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट तो मेरा ना, तो क्या हो गया, पासपोर्ट बनने में 10 दिन लगेगा, लेकिन आउट ऑफ इसलिए नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग 4-5 महीने सिर्फ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फोकस करके आगे निकलना है, उसके अलावा घूमना फिरना सब मन नींद चैन सब आराम, सिर्फ कमाना है, सिर्फ कमाना है कमाना है कमाना और गेन करना है फॉलोअर्स फेम सब कुछ, तो 4 महीने सिर्फ मेहनत करना है, सब आप लोगों को एंटरटेन करना है, सिर्फ मेहनत करना है, फटे मेहनत करना है, और आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे बैठ रहे खा रहे पी रहे, सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना है, इसके लिए अभी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अजमेर जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ तो जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज के, आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग का व्लॉग इतना बोर हो रहा है या कुछ, अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हम लोग ने वैसे वैसे सबको रिप्लाई किया, क्वेश्चंस बहुत है गाइज हम लोग ने, फिलहाल मैं बताता हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ, ये सब झूठी झूठी बनाई बातें नहीं बनाता हूँ मैं, सीधा मुंह बोलता हूँ, तो हकीकत ये है कि हम लोग का चैनल अभी डेड हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग ने ऑलमोस्ट 6-8 महीने से कुछ अपलोड नहीं किया जब वीडियोज,
हम लोग का मेन मोटिव ये है कि 10 दिन सिर्फ चैनल को उठाना है, समझे? एक बार चैनल उठ जाएगा ना, उसके बाद बहुत अच्छे से ब्लॉग्स बनाएंगे। बोलू मैं? फिलहाल हम लोग को चैनल उठाना है। बोलू मैं? समझ सकते हो। बोलू? नहीं, बस हो गया। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन के, आर्या दी नेक्स्ट बेबी प्लान कब कर रहे हैं? ये फंस गया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूंगी। अभी करे नहीं ना, थोड़ा सफर हो गया भाई। क्या है, हम लोग भी यही हैं, हम भी यही हो। बहुत जल्दी बेबी प्लान करेंगे। बहुत जल्दी नहीं, इंशाल्लाह 1 to 2 years में। 1 to 2, 2 to 3 years में। 2 to 3 years अस्लान। 2 to मतलब 4 और फिर 3 मतलब 5, 6, 7 years। 10 साल बाद तो करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम बाद। अभी नहीं, अभी पहले तो अभी जैसे कि मैं बोला, अभी पहले लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना, उसके बाद दूसरा बच्चा सोचना है। अभी ये मैं लास्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ। एक बार अजलान को सारी खुशियाँ दे देना, उसके बाद दूसरा बच्चा करना। अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ कि आलिया दी आपका वेट कितना है और डिलीवरी बाद मतलब कम हुआ या बढ़ गया? तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा डिलीवरी बाद वेट ज़्यादा हो गया है एंड प्लस मुझे थायराइड भी हो गया है डिलीवरी बाद वो भी, और मतलब इतना नहीं बढ़ा है ना, मेरा थायराइड से इतना ज़्यादा हो गया जैसे हो जाते हैं कुछ लोग मोटे। हाँ मैं देख रही हूँ कुछ लोग मोटे हो जाते हैं कि मतलब थायराइड है तो भाई मोटे हो गया या कोई पतला हो गया, बट मेरा थायराइड बॉर्डर लाइन है और मेरा वेट इतना नहीं है, नॉर्मल 51 है शायद। हाँ 51 ही है। वेल गाइस यहाँ पर हम लोग ब्लॉग एंड कर रहे हैं। ये बहुत छोटा सा ब्लॉग था, सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन के आंसर दिए उन्होंने फिलहाल, क्योंकि एज आई सेड अभी थोड़ा सा अगर बोर हो रहा होगा ना आप लोगों को, थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं भी बहुत नींद में, मुझे सिर्फ अब बिस्तर से नजर आ रहा है, क्योंकि एडिट भी करना है तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड कर दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में ये ब्लॉग में ज़्यादा प्यार देगा, नेक्स्ट ब्लॉग आपको बहुत अच्छा मिलेगा जिसमें बोर नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, कपड़े भी अच्छे पहनने होगा, नाइट सूट में नहीं पहनूंगा। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोगों को जो जो ब्लॉग चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, लव यू।